आपके पास ये लिखा है कि हाउ टू पेफरेज अ पोएम आपने एक पॉइंट पोइटरी uh, को आपने प्रेफरेज कैसे करना है ये सारे पॉइंट्स आपको चार पॉइंट्स दिए गए हैं लेकिन उससे सबसे पहला पॉइंट जो है वो ये है कि आपके पास विकैबलरी होनी चाहिए अगर आपके पास वर्ड्स मीनिंग का नहीं पता यू डोंट अबाउट एनी और द मीनिंग ऑफ वर्ड्स यू कैन नॉट पैफेज एनी लाइन ऑफ द पोइट्री सो वाई दिवन लाइन ऑफम कीप द फॉलोइंग पॉइंट्स माइंड आपने जहन में ये फॉलोइंग पॉइंट्स रखने हैं पहला पॉइंट क्या है यूज़ योर ओन वर्ड्स टू एक्सप्लेन द मेजर आइडियाज लाइन बाई लाइन आपने अपने वर्ड्स इस्तेमाल करने हैं लाइन बाई लाइन पोइट्री को एक्सप्लेन करने के लिए पेरा फ्रेजिंग इज इन द सेम इज एक्सप्लीकेटिंग पोएम आप जिस तरह पोएम को एनालाइज करते हैं ये उस तरह बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि ऑफ अ पोएम में या अ पोएम में आप क्रिटिकल क्रिटिकली जाते हैं राइटर ये वर्ड क्यों इस्तेमाल कर चुका है राइटर का इस वर्ड से क्या मतलब है ये वर्ड मिडल इंग्लिश से है या मॉडर्न से है या ओल्ड इंग्लिश से है ये सारी चीज़ें उधर काम नहीं कर रही ये एनालिस नहीं है सिर्फ आप क्या करते हैं पैराफ्रेजिंग कर रहे हैं सो द गोल द गोल इज़ टू रिफ्रेज द आइडियाज़ इन योर ओन वर्ड्स विदाउट और एड्रेसिंग द विदाउटेटिंग हिडन मैसेजेस और अंडरलाइन थीम्स आथर के जो हिडन मैसेजेस है जो वो बताना चाहता है कॉम के बारे में हो रिलीजन हो आ, कल्चर हो या फिर वॉर्स वगैरह के बारे में हो वो हमने नहीं जाना उधर अंडर थीम्स जो भी उसके थीम्स है उधर भी नहीं जाना आपने सिर्फ लाइंस से या पोइट्री से जाना है पेराफ्रेजिंग में ट्रांसलेशन या सेंटेंसेस में इन द लास्ट पॉइंट इज द पेराफ्रेज पैराफ्रेज लाइन ऑफ पोइट्री इज़ अ लिटरल ट्रांसलेशन इन रेगुलर प्रोज विदाउट राइम और मीटर उसमें मीटर नहीं होगा उसमें राइमिंग स्कीम नहीं होगा बाकी जो है वो वही ट्रांसलेशन है कि आपने पोइट्री से उधर की आ, प्रोज में सो आपके सेंटेंसेस लाइन में चले जाएंगे आपके स्टेंज़ास पैराग्राफ में चले जाएंगे और आपका पोइम जो है वो एक पैसेज में चले जाएगा आई होप इट्स क्लियर